हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो जानने की कोशिश। ये रीडिंग रोज़ होती है, एक इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर सकती है, एक इनडायरेक्टली मेरा तो इंटेंशन आपकी हीलिंग है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, वरना लाइफ के साइकिल्स है, पैटर्न्स है, वो रिपीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग देखने के आपकी कम्प्लीटली हीलिंग हो जाए, बस इस प्रोसेस में एक छोटा मोटा योगदान हो जाता है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं, तो कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत पावर होती है, क्योंकि वो एक्चुअली ना आपकी एनर्जी को बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की एक प्रोसेस होती है। तो जितना ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही जल्दी आपको फ़र्क पड़ता है। वरना कैसे होता है कि आप किसी दर्द में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, आप गुस्से में हैं, आपको जलन में हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो चीज़ है ना, आपको शांत नहीं होने देती। और वही जो शांति इस चीज़ के लिए ज़रूरी है वो मिसिंग रहती है। तो जिनको वो रिज़ल्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो लिटरली शांत होना थोड़ा बहुत से सीख रहे हैं, और वो ध्यान से रीडिंग के थ्रू इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक करेंगे, और जिनको कॉल मैसेज आए लिटरल में बहुत खुश हूँ, और जिनके साथ मतलब जिनको नहीं आए उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ इनकी, ये जो मेहनत है उनके लिए ही तो चल रही है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहीं मेहरबानी कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ। मदद कि आपकी इंतज़ार करना आपकी चॉइस है, आपको समझ में आ रहा क्या करें। बस एक रीडिंग के थ्रू एक इनडायरेक्टली सही एक मैनिफेस्टेशन जैसा हो जाता है, आपका दिल हल्का हो जाता है, आपको कुछ होप आ जाता है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट होपफुल रहने में प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव रहने में प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको ओवर एक्साइटेडली नहीं लेना है कि भाई होगा ही होगा, या फिर कमेंट में लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर लाइक ना कि हमें तो नहीं आया मैसेज, ये वो सब। आप तकलीफ़ से कह रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, बट प्रॉब्लम है कि जिस तरह से निगेटिवली आते हैं कमेंट कि हमें तो नहीं आया मैसेज, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो बहुत दिल दुखता है, क्योंकि ये सब पर्सनल रीडिंग नहीं है। और फिर भी ऐसा नहीं है कि पर्सनल रीडिंग में भी जब कुछ अभी नहीं हुआ है कि इसका मतलब पत्थर की लकीर बन गई है, वैली वो वाली भी चीज़ नहीं होती। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। ओह, हॉस्टिलिटीज, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल, अटैचमेंट, जर्नी, केयरिंग कनेक्शन, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट 13 नंबर। सो बार बार 13 अप्रैल की बात हो रही है, समा मुझे 13-14 अप्रैल मेरी इंपॉर्टेंट डेज मे बी। 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर किसी भी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 डेट, 2 डेट या 2 नंबर समथिंग, 14 डेट, 13-14, ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एक स्टैग्नेंसी की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे ना जैसे सुबह की रीडिंग थी वैसे ही फील हो रहा है कुछ, कि ये इंसान है ना एक अपने प्यार के कनेक्शन के लिए ना, इस कनेक्शन के लिए बेहद ज़्यादा ना एक अलग ही पुल महसूस कर रहे हैं। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है मुझे, एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, कि जहाँ पे उस इंसान को ना जब अपने पास कुछ था जिसे उसका एहसास नहीं था, कदर नहीं थी, या फिर हो रहा था ना उनको लगता है ना कि ये बस ये तो होना ही था ना, कि मैं या तो मैं लकी हूँ या पता नहीं क्या दिमाग में चलते हैं घोड़े, बट ऐसा लग रहा था जो चीज़ अपने पास जब होती है या थी उनको एहसास ही नहीं था। उसमें जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जैसे कि आपका बार बार मैसेज करना हो, शक करना हो, तो बहुत ज़्यादा वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही वो हाईलाइट देखते हैं कि भाई ये इंसान ना मुझे बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, या ज़्यादा ही पूछ रहा है वगैरह, वो सब चीज़ें हैं ना, वही चीज़ ध्यान रखें। लेकिन अभी उनको वो सब चीज़ें छोड़ के ना उस कनेक्शन में जो प्यार की बातें थी, जो कनेक्ट फील हो रहा था, जो एक अलग ही अटैचमेंट था,
उस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा एक क्रेव फील हो रही है, एक अलग ही मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है उनको, जैसे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि जैसे उनका एक हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है समाओ, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा है ना कि हार्ट चक्रा हो, चक्रा की बात नहीं है बट ऐसा लगता है एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एक अजीब ही फीलिंग है जहाँ पे ना जैसे दिल की बात आप तक पहुँचाना चाहते हो, माना कि वो खामोश है, माना कि वो कुछ बोल नहीं रहे, माना कि उनके वर्ड्स नहीं है, जब भी आपसे बात भी करते हैं तो शायद कुछ जैसे कि समाप फील हुआ कि मतलब क्रश है आपके तो बात नहीं करते, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, समझाते नहीं, समझते नहीं है, तो वो चीज़ है कि मतलब कम्युनिकेशन अधूरा है, या कुछ बात करते हुए भी जैसे पूरा नहीं करते, या फिर जस्ट देखते रहेंगे या कुछ हाई करके मैसेज छोड़ देंगे लेकिन कुछ आगे नहीं बोलेंगे, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे बट समाओ क्या दिल में चल रहा है या फीलिंग्स हैं ये कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो इनके लाइफ में ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि एक तो उनके ना फाइनेंसिस के ऊपर बहुत अटैक हुआ है, हो सकता है कि अचानक से जॉब लॉस हो, या फिर हो सकता है कि अचानक से बिजनेस में लॉस हो, या फिर कुछ तो ऐसा है इज अबाउट द फाइनेंशियल कंसर्ट, या हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट के इसमें उनको घाटा हुआ हो, या कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मुझे इंसान के जो बेसिक लेवल है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो इंसान है ना खामोशी में गया है, एक सदमे में गया है, और उसे सबसे ज़्यादा एहसास है कि जब इंसान जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें एक फील होता है ना कि जो हमारे साथ कोई हो, हमारे पास कोई हो, हमारा सपोर्ट हो, हमारा साथ हो, जो हमें बिलीव करता हो, हमें विश्वास करता हो, एग्जैक्टली वही चीज़ की एक मिसिंग एनर्जी है, और या तो उनके पास उनके साथ जो लोग हैं उनमें वो एनर्जीज या क्वालिटीज़ उनको फील नहीं होती, और या फिर ऐसा है ना कि वो हर चीज़ में आप ही को ढूंढने लगे हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान है ना, ये इंसान है वो खास कि जो मुसीबत में मेरा साथ दे सकता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने अपने पर्सन की बुरे से बुरे वक्त में मदद की है, ऐसे वक्त में मदद की है जहाँ पे कोई नहीं खड़ा था, और अभी वापस वही सिचुएशंस रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो सिचुएशन के बाहर निकलने के बाद आपसे मतलब किनारा कर लिया, मतलब एक जब वक्त ठीक हो गया तब उन्होंने प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा ले ली, बट अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन वापस वही साइकिल रिपीट कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स वही तरीके से रिपीट होने लगे हैं। अभी उनका रियलाइज़ हो रहा है कि सच्चा कौन है और अच्छा कौन है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस ये अपने आप में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब, एक कनेक्शन है, एक अटैचमेंट है आपके लिए जो बहुत स्ट्रांगली फील कर पाते हैं, माना कि उनके लाइफ में मुश्किलात है जो भी है, रिलेशन हो या किसी भी चीज़ में, लेकिन उस चीज़ से ना बाहर निकलने की एनर्जी, ये जैसे कि एक सोल जर्नी स्टार्ट हुई कि एक सोल उनको कुछ कहना चाहता हो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे देखा जाता है दुनिया को, नज़रिए को, या कोई भी चीज़ है ना पर्सपेक्टिव, स्पेशली आपके रिलेशन के लिए या कोई भी रिलेशन के लिए, हार्ट टू हार्ट रिलेशन के लिए उनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। फाइव ऑफ हैंड्स का कार्ड गिरा, फाइव ऑफ हैंड्स, मैंने कहा ना कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जहाँ पे मेरी कैंडल जलती है साइड में वहाँ पे ही लिटरली कार्ड मतलब ये हुआ जहाँ पे गिरा है, मतलब कुछ तो हुआ है, समाओ आई एम सो सॉरी कि कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा फील हो रहा है, जस्ट बी केयरफुल। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट, आपको याद बहुत कर रहे हैं, जैसे कि कोई फ़ोटोज़ हो, कोई आपकी प्रोफाइल हो, या कहीं पे भी जहाँ पे आपको दूर से भी देख रहा है या फिर नहीं भी सही, एकदम इस कदर याद कर रहे उस पल में, उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा गहरी लेवल से कि लिटरली एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रहा है, लिटरली। टेम्परेंस, वाह, सेवन ऑफ कप्स, द टावर, देखा ना टावर, टावर की एनर्जी है,
एस ऑफ सोर्ड्स, और द इंट्यूशंस, हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है ट्रिपल वन एंजल नंबर आपको, 11 11 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ डेक है द चैरियट, और उसके बाद है टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ हैंड्स, यस द चैरियट। मूवमेंट मतलब है आप लोगों में डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, सोच, समझ, मैच्योरिटी, एज, कितने सारे डिफरेंसेस है, कुछ भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे चीज़ें एक साथ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस की बहुत ज़रूरत थी उनकी लाइफ में, एक एनर्जी बैलेंस नहीं थी, एक जैसे कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा कि एरिज एनर्जी में थे, एक अलग ही एनर्जी, जैसे मैं मतलब हम नहीं, मैं वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम्स मेरे, यू नो, सोच मेरी, मेरा रिश्ता वगैरह, हर चीज़ जो वो चीज़ थी ना, जैसे हर चीज़ पे ना जैसे घाव दिया जा रहा है, तुम्हारी जो मैं करने की आदत थी ना, यूनिवर्स कह रहा है कि उसी पे तोड़ने की कोशिश है कि मैं, ये उनको कॉन्फिडेंस को नहीं, उनकी ओवर कॉन्फिडेंस या एक अलग सा ईगो, एक अलग सी जिद, अलग सी निगेटिव एनर्जी ना, जहाँ पे इंसान अपने ही धुन में चलता है, अपने ही बारे में सोचता है, भले वो सामने कितना भी प्यार करने वाला हो, उसे देखने की कोशिश भी नहीं करता, उसे समझने की कोशिश नहीं करता, या फिर उस समझता है ना तो फिर और भी गलत तरीके से हर चीज़ से, जैसे उनको ना एक क्लैरिटी दी जा रही है, क्लैरिटी कि मतलब देखो, समझो क्या करना चाहिए क्या नहीं है, ये ऐसा जो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करना है, हम हैं, हम, ये सब चीज़ जैसे सिखाई जा रही है, इनकी इंट्यूशंस उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ में भी है, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी एक एंग्जाइटी है, बहुत अपने पर गिल्ट है, जहाँ पे एक बेचैनी की रातें हैं, जहाँ पे पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा कि क्या गलती की है, क्या कितने डिसीजन रॉन्ग किए, कितनी एक्टिविटीज़ रॉन्ग की, बहुत कुछ है जो बिगड़ गया, बिखर गया, और इसके लिए कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार थे, कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि ताली सिर्फ एक हाथ से बजी थी, दोनों हाथ से बजी थी, लेकिन इनका जो एक एक्सट्रीम डिसीजन था ना, एकदम अपने ही लेवल पे डिसीजन लेना, वो उनको बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे आप हो कि हर चीज़ बैलेंस करने की एक रिसेप्टिव मोड में हो, लेकिन आपकी एनर्जी भी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, और एक अलग ही गुस्सा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब करने के बावजूद भी ये सब क्या है, क्यों नहीं आ रही ये, अगर प्यार करते हैं, अगर विश्वास करते हैं, इतना चाहते हैं, तो क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों नहीं बता रहे, एक सिर्फ मैसेज ही की बात है, एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आके आपके घुटनों में गिर जाए, ये हर किसी का तो एक इच्छा नहीं है, बट कुछ तो बात करे, कुछ तो क्लैरिटी दे, कुछ तो एक क्लोजर दे, ये जैसे आपकी एक बेसिक रिक्वेस्ट है और वही पूरी नहीं करी, और आपको लिटरली कभी कभी ना यूनिवर्स पे गुस्सा आ रहा है, यूनिवर्स पे गुस्सा आ रहा है कि क्यों करें वैसा, कि मतलब क्या चाहते हैं वैसा, हम लोग इतना क्या बड़ा लाइक ना क्या मांग रहे हैं, हम लोग पूरी दुनिया यूनिवर्स तो नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ एक बेसिक चीज़ की भाई क्लैरिटी, वो प्यार, वो वही चीज़ जो जितना हम करते हैं उतना नहीं सही, बट कुछ तो दिखाए, इतना मतलब बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी लाइक कुछ भी नहीं, बात करते हैं सीधे मुँह से नहीं करेंगे, या फिर कुछ भी लाइक एक डिस्कनेक्ट फीलिंग है, ना कुछ क्लियर करेंगे, ना कुछ तो कुछ कॉल ही नहीं करेंगे, मैसेज ही नहीं, मतलब महीनों महीने से इंसान गायब है, इसका क्या सॉल्यूशन, या क्या समझे हम, क्या समझ में आ रहा है। तो आपकी एनर्जी तो ऐसे फील हो रही है, और उनकी एनर्जी में चल रहा है कि वही सब एनर्जी मिरर हो रही है, अभी सब चीज़ें ना आर्ग्यूमेंट से, रातों को जागना, परेशान होना, याद करना, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना, यूनिवर्स पे भरोसा करना, कहीं ना कहीं शुरुआत करने की कोशिश, कहाँ पे बिगड़ा था तो अभी कहाँ से शुरुआत करनी है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि करनी तो पड़ेगी, क्योंकि खड़ा होना उनकी जैसे एक चॉइस नहीं, अभी ऑप्शन ही नहीं उनके पास, कि भाई उनको अपने आप को संभालना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों से कुछ डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, कुछ चीज़ों पे ना ऐसे जैसे कि दो नावों पे सवार है, या कुछ भी चीज़ को ऑप्शन ट्राई किए जा रहे हैं कुछ लोग, बट
ये सब नहीं चलेगा, ये इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा वाली, जैसे एक एनर्जी उनको घेरे, मतलब सब जगह से घेराव करें, सो दैट कि आपको आप एक्शन ले, एक्शन वो नहीं होते कि बस कुछ भी कर ले, चलो ये नहीं तो वो ऑप्शन ट्राई कर, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, आपको सीधा एक सही डिसीजन लेना है और वो इजी नहीं है, तो वो उनके साथ हो रहा है। और यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो वैंड्स की एनर्जी एरिस लियो सैजिटेरियस, स्वॉर्ड्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, मेष धनु एंड लियो सिंह राशि, और पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ तुला टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यस तुला तुला नहीं सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ टॉरस वर्गो वृष एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन लेट मी, और देन है इसमें ना धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, मुझे एरिस ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग लग रही है, पाइसिस स्ट्रांग लग रहे हैं, और सेकेंडली लग रहा है वो है कैंसर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, स्कॉर्पियो और कैंसर भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पे एक इंसान का ना एक इनर फीलिंग बहुत जाग रही है, एक सच्चा प्यार जाग रहा है, सोल कनेक्शन जाग रहा है, और सेकेंडली ऐसा है ना कि इंसान ट्रांसफॉर्मेशन एक थॉट प्रोसेस में, एक सोच में, समझ में बहुत ज़्यादा शुरू है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। डिवाइन फेमिनिन, तो अपनी डिवाइन फेमिनिन को शायद वो पहचान लगे, या फिर इनकी एनर्जी ना बैलेंस हो रही है, कहीं पे जो इंसान वो प्रैक्टिकल हुआ करता था, प्रैक्टिकल हुआ करता था, अभी थोड़ा इमोशनल एंगल से सोचने लगा है, क्योंकि मतलब मार ही वैसे पड़ी है। द सेक्रेड वुमन, द रेनबो रिवाइवर और अबंडेंस, क्रिएटिविटी बॉटम ऑफ डेक है, मुझे लग रहा है कि यस नई शुरुआत, नई शुरुआत जिसमें वो ढूंढ रहे हैं कि एक मतलब इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ग्रोथ के ऊपर फोकस है, और एबंडेंस यू नो रिश्ते में भी एबंडेंस लाना चाहते हैं, अभी हर एक की सिचुएशन जैसे जैसे डिफर होती है, जैसे कि अगर सिंगल है या पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम था तो ऐसा लग रहा है कि उनको फील होता है कि यही रिश्ते में ही मेरी भलाई है, इस रिश्ते में ही मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जो मैंने पेरेंट्स के साथ मतलब जाने का डिसीजन लिया था वो पेरेंट्स को तो खुश कर सकता है लेकिन मुझे आगे जाके लाइफ में तकलीफ दे सकता है, या ऐसा कुछ हुआ है तो वो ऐसा इस बारे में तो सोच रहे हैं कि कुछ तो गलत हो सकता है या हो रहा है, जहाँ पे वो चीज़ को उन्हें ध्यान नहीं देती, कि इंसान जब प्रैक्टिकली सोचता है वो हमेशा प्रैक्टिकल वे से ही उनको उनकी सोच बदलने में मजबूर करता है, इनकी सोच खास करके आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जैसे कि एक ऑरा चेंज हो रहा है, आपकी एक इनोसेंस है, आपकी जो एक दिल की सच्चाई है, अच्छाई है, एक प्योरिटी है, वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हैं लाइक ना फिल्टर लगा के, मेकअप लगा के लोग घूम रहे हैं, लाइक झूठा मास्क है या फाइनेंशियल्स है, बहुत ज़रा गाड़ी बंगला सब कुछ है, बट उसमें ना वो जान नहीं होती, वो सिर्फ चीज़ों में एक चमक है, बट असली जो एक शाइन होती है ना, असली एक जो एक ऑरा होती है, उसकी चमक जैसे आप में ही ढूंढते हो, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी वो बहुत ही ज़्यादा खास होती है, और वो आप में देखेंगे, आप मेल हो या फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी जो एनर्जी है खास करके एक डिवाइन फेमिनिन की, वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक ना अट्रैक्ट करी है, एक सेक्रेट वुमन लाइक ना अलग ही इनोसेंस और वो पवित्र आत्मा की फीलिंग मुझे आ रही है, वो उनको अट्रैक्ट करी है बेसिकली। देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है क्या, और वो क्या हो सकता है एक्शन, और एक्शन है स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस ये एक्शन लेने के मोड में जरूर आएंगे, एस ऑफ दो एसेस है और सन की एनर्जी, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस ट्रिपल वन एंजल नंबर आपको दिख रहा है, जो बेसिकली न्यू बिगिनिंग की तरफ दिख रहा है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत, ट्रिपल टू भी दिख रहा है, तो बेसिकली एक यूनियन, एक फील हो रहा है कि एक जीत, एक विक्ट्री, एक सक्सेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, यस एक मतलब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एक नई शुरुआत से, जो भी हुआ है
वो उसे बदलना चाहते हैं, जैसे कि आप में हो, उनमें हो, जो नेचर है या फिर कुछ भी जो सोच है, हर चीज़ को जो इसे बाजू में रखे एक नई शुरुआत करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस यस, तो ये थी रीडिंग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत जल्द, लाइक नो, ये नेक्स्ट वीक में काफ़ी लोगों को एक नई शुरुआत, एक नई नई उम्मीद ज़रूर नज़र आएगी अपनी लाइफ में, अपनी रिश्ते में। ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो कि अभी माना कि ये बहुत सारे लोग देखते हैं, और बट मेरी तो दुआ है भाई सबको उनका प्यार मिल जाए, भले थोड़ा दूर से दे, बट कुछ तो शुरुआत हो, वहाँ से कुछ मैसेजेस आए, कुछ तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, कहाँ पे कुछ जो बिल्कुल तार टूटे हुए ना, कुछ तो जुड़ जाए। यही मतलब यूनिवर्स रिक्वेस्ट है, बस यूनिवर्स रिक्वेस्ट है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।